क्लासिक्स आपकी एक्सरसाइज है 13.2। इसको मैंने स्टार्ट किया था, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। ये फिलअप है, लेकिन फिलअप की तरह नहीं करनी है ये। देखो पहले का हमने उसका रेक्टेंगल की बात कर रहे थे, अब इसमें हम स्क्वायर की बात करेंगे। इस क्वेश्चन में फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर ए स्क्वायर, स्क्वायर के लिए फिलअप करनी है ब्लैंक्स। हमें साइड दी हुई है, पैरीमीटर और एरिया निकालना है। अगर स्क्वायर में सारी साइडें बराबर होती हैं, इसलिए एक साइड दी हुई है उन्होंने, साइड ऑफ स्क्वायर। जैसे मैंने अभी ये फर्स्ट को नीचे सॉल्व किया हुआ है, ये देखो साइड ऑफ स्क्वायर 3.4 सेंटीमीटर है। पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था, 4 into side कितनी दी है 3.4 सेंटीमीटर। तो 4 into 3.4 आ जाएगा 13.6 सेंटीमीटर। अब इसका ये तो पैरीमीटर आ गया, अब इसका और क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है साइड इंटू साइड। अब देखो साइड कितनी दी है 3.4 सेंटीमीटर इंटू 3.4 सेंटीमीटर, क्योंकि साइड दो है ना इधर, मतलब साइड से साइड को मल्टीप्लाई करना, साइड स्क्वायर होता है, हम साइड इंटू साइड भी लिख सकते हैं। तो 3.4 सेंटीमीटर को 3.4 सेंटीमीटर से जब मल्टीप्लाई किया 10.56 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है। अब दोनों जो फर्स्ट पार्ट के दो पूछे थे उन्होंने, एक पैरीमीटर और एक एरिया, ये दोनों निकल गए हैं। उसके बाद ऐसे ही आपने नेक्स्ट टू पार्ट के निकाल लिए हैं, जैसे सेकेंड और थर्ड के पार्ट के भी आपने पैरीमीटर और एरिया निकाले, आप खुद निकाल सकते हो। जैसे लास्ट पार्ट है जो, उसमें आपको साइड नहीं दी है, पैरीमीटर दिया और एरिया दिया, सॉरी एरिया निकाला है आपने, साइड और एरिया खुद निकाला, पैरीमीटर दिया। सबसे पहले स्क्वायर की सारी साइडें बराबर होती हैं, कितनी साइडें होती हैं स्क्वायर की, 4। अब आपने क्या करना है, ये देखो पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 24 दिया हुआ है। साइड ऑफ स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, पैरीमीटर को 4 से डिवाइड करके, क्योंकि स्क्वायर की 4 साइडें होती हैं, चारों इक्वल होती है। पैरीमीटर 24 है डिवाइडेड बाय 4 किसके लेवल में आता है, 6 4 24 आता है। अब 6 सेंटीमीटर इसकी क्या आ जाएगी, साइड आ जाएगी। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर, तो 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, 6 या 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 2400 मीटर स्क्वायर, देन फाइंड इट्स ब्रेथ इफ लेंथ इज 80 मीटर। अब एरिया दे दिया उन्होंने क्वेश्चन में, अब ब्रेथ उन्होंने इसकी ब्रेथ हमने फाइंड आउट करनी है, जबकि लेंथ इन्होंने 80 मीटर दी हुई है। अब लगाना है, इसमें भी हम एरिया का ही फार्मूला लगाएंगे, एरिया इजिकल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया कितना दिया है 2400 मीटर स्क्वायर इजिकल टू लेंथ 80 मीटर दी हुई है, ब्रेथ निकाली हमें बी रहेगा। अब 2400 जैसे हम पीछे कर रहे थे, 80 को डिवाइड कर दो उसे, 80 का एक जीरो और ऊपर से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से 240 बचा और नीचे बचा 8, ये 38 जो होते हैं 240। अब करेंगे इसको, 30 मीटर आ गया हमारे पास जो कि ब्रेथ है, और ब्रेथ इज इक्वल टू 30 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया, इट्स लेंथ इफ, इसकी फाइंड आउट करनी है लेंथ, अगर ब्रेथ हमें 40 मीटर दी हुई है। इसमें सेम करेंगे हम, सिर्फ लेंथ की जो पहले हमने ब्रेथ हमें दी हुई थी, अभी पहले हमें ब्रेथ निकालनी थी, लेंथ हमें दी हुई थी, अभी हमें लेंथ दी निकालनी है, ब्रेथ हमें दी हुई है। ब्रेथ इधर कितनी दी हुई है हमें, 40 मीटर दी हुई है, 40 को कर दो 240 से डिवाइड, क्योंकि एक तो 2400 से करना है, क्योंकि एक जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, फिर 4 बचेंगे, फिर 4 को करेंगे 240 से, 4 से 24 होते हैं, 4 60 या 240 होते हैं, तो इसीलिए आ जाएगा 60 मीटर इज इक्वल टू एल, एक मीटर और मीटर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू एल, और एल इज इक्वल टू 60 मीटर। ये भी सिंपल है, सेम जैसे पीछे किए हैं आपने क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पैरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इफ इट्स एरिया इज, आपने क्या निकाला है, पैरीमीटर निकाला है रेक्टेंगल का, अगर उसका एरिया 195 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ और ब्रेथ दी हुई है 12 सेंटीमीटर। एरिया कैसे आता है, एरिया से हमें सबसे पहले आपने क्या करना है, एरिया से आपने निकालना है इसकी एक साइड निकालनी है, जो कि लेंथ है वो निकालनी है आपने। सबसे पहले एरिया का फार्मूला लगाओ, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। अब एरिया है 195 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको डिवाइड कर देंगे 195 को 12 सेंटीमीटर के साथ, सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर स्क्वायर और सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 195 को जब हम डिवाइड करेंगे 12 के साथ 16.25 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि इसकी लेंथ है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, इसको आपने एक स्टेप ओवर है इसका, फाइंड द पैरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल है, आपने इसका पैरीमीटर रेक्टेंगल का फाइंड आउट करना है। अब आपने वो खुद करना है, इसमें पैरीमीटर का फार्मूला लगाना है, इसमें आपको लेंथ भी मिल गई है, ब्रेथ भी मिल गई। पैरीमीटर का क्या फार्मूला है,
टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, वो उसमें मैंने नहीं किया हुआ है, वो आपके लिए छोड़ा हुआ है एक पार्ट। मैंने ये सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसलिए लेंथ आ गई है और ब्रेथ आ गई है। आप अपने ही फार्मूला पैरामीटर का खुद लगाना है। पैरामीटर का फार्मूला क्या होता है, पी इज इक्वल टू टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। जो तब तक क्वेश्चन ये कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप इसको पैरामीटर का फार्मूला लगा कर सॉल्व नहीं करोगे। वो आपके लिए मैंने छोड़ा है, वो आपने करना है। पैरामीटर का फार्मूला लगाओ, पैरामीटर इज इक्वल टू टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पैरामीटर इज इक्वल टू टू इंटू लेंथ क्या है इसकी 16.25, ब्रेथ क्या है इसकी 12 सेंटीमीटर करके आपने ये क्वेश्चन खुद निकाला। नेक्स्ट बताऊंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।